टू रियल प्रीव्यू. मुझे कहते हैं बी सैन, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे. और आज इस मूवी का एक्शन रिएक्शन, फनी एक्शन रिएक्शन मैं लेकर आई हूँ. उस मूवी का नाम है वेनम, जो कि है हॉलीवुड मूवी. और बहुत ज़्यादा इस मूवी के बारे में सुना है कि भाई ये मूवी तो आ रही है और ये हॉलीवुड में धूम मचाएगी और बॉक्स ऑफिस में जो है ये सारी मूवीज को पीछे छोड़ देगी. इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? मतलब ट्रेलर भी नहीं देखा मैंने. चलिए खैर बढ़ेंगे ट्रेलर की जानेब और देखते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो कि जिसकी वजह से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाली है. You should be extremely afraid. Thank you for bringing us collectively to this moment. It is a moment that so many have dreamed of claiming. क्या ड्रेडफुल म्यूजिक है. मार्वल पिक्चर्स जब भी अपनी मूवी लाते हैं तो ऐसा तहलका वाला म्यूजिक होता है कि सनसनी खेज म्यूजिक होता है कि बंदा जो है थिटर के रह जाए. मैं बिल्कुल भी नहीं थिट रही हूँ, मैं तो बस एक्टिंग करके बता रही थी आप लोगों को. आई होप के जो डरने वाले लोग हैं, जो छोटे दिल के लोग हैं, वो ज़रा थोड़ा सा हो जाए. मैंने कहा थोड़ा मैं भी एक्टिंग करके दिखा दूँ. क्या पता वेनम का फनी एक्शन रिएक्शन देखने के बाद मार्वल पिक्चर्स जो है मुझे भी कहीं ना कहीं तो कास्ट कर ही लेंगे. खैर आगे देखते हैं. Guy you work for is an evil person. I don't work for him. My firm works for him. Are you gonna behave yourself tomorrow? I told you I want to do my job. Wow. I'm a reporter. I follow people that do not want to be followed. What about the allegations that you recruit the most vulnerable for tests that end up killing people? Your time to go. You finished, Mr. Brock. Is that a threat? You had to learn how to hide in plain sight. I'm pretty good at it. But you suck. और यहाँ आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि वेनम की आवाज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि किसने जो है वेनम की आवाज़ निकाली है. टॉम हार्डी ने जो है वेनम की आवाज़ निकाली है. वेनम के पीछे जिस आप कह सकते हैं ज़ोरदार आवाज़ आपको सुनाई देगी वो है वेनम. लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसी फिल्म्स होती हैं तो इनमें इतना चीखम पुकार क्यों होता है. मतलब चीखम पुकार के बगैर कोई मूवी नहीं बन सकती. चलो सस्पेंस आ गया, ड्रामा आ गया, थ्रिल आ गया, लेकिन चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं. भाई अगर कोई हार्ट का पेशेंट बैठा हो, उसको कुछ हो जाए तो फिर आप पे आ जाएगा सारा गुनाह. Whoever you are, I work at the Life Foundation and I need your help. We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution. I think that this movie is super crazy. I must say that. You're not real. You were just in my head. I'm gonna need Mr. Drake's property back. अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि विलेन चाहे जितना टॉप क्लास का क्यों ना हो और कितना ही अमीर क्यों ना हो, बाइक उसके पास होती है और उसी बाइक पे जो है वो सबको ढुस ढुस मारने आ रहा होता है और अपने तमाम तर बदलों का जो है वो हिसाब उसी बाइक पे लेता है. और ना उस बाइक का टायर पंक्चर होता है, ना उस बाइक का कोई पुर्जा टूटता है, और ना किसी तरीके से ना वो खुद बाइक से गिरता है. ये भी बड़े मज़े की बात है यार. हमें भी कोई ऐसी बाइक दिला दे, मुश्किल है. फिल्मों में ही होता है, वो भी फिक्शन फिल्म में हमारे यहाँ कहाँ होता है. If you're gonna stay, you will only hurt bad people. The way I see it, we can do whatever we want. Do we have a deal? Are you willing to sacrifice the one thing you hold most dear? You should be extremely afraid. I think that
वेनम जो है वो लगती है बिल्कुल प्योर एविल मूवी, और मुझे लगता है कि जिनका माइंड थोड़ा ड्रास्टिक किस्म का वो इस मूवी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी फिल्म्स ऐसी भी आ रही होती हैं जो लग रही होती हैं ट्रेलर के हिसाब से कि यार अच्छी होंगी, लेकिन मूवी जब आती तो वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये वेनम का जो है आप कह सकते हैं कि आई गेस तीसरा या चौथा ट्रेलर है, तो ये फाइनल ट्रेलर जो है मैंने आपको दिखाया, और इससे ये साबित होता है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस होने वाली है। टॉम हार्डी जिन्होंने जिनकी आवाज़ है वेनम के पीछे, तो वो यकीनन लोगों के दिलों में अपना घर तो ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ लोगों की नींदें भी उड़ाना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारी मूवी वेनम के बारे में एक्शन और फनी रिएक्शन भी।